माननीय सभापति महोदय, सरकार ने जो ये विधेयक प्रस्तुत किया है, इसके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस में दिया है इन्होंने सेकंड पैरा में कि हंड्रेड्स ऑफ लाइव्स वर लॉस्ट इन द स्टैम्पेड एक्सीडेंट ड्यूरिंग द ऑर्गेनाइजिंग ऑफ मेला इन मेहरानगढ़ फोर्ट जोधपुर। कीपिंग इन व्यू द सैड स्टैम्पेड एक्सीडेंट एंड फॉर अवॉइडिंग रिकरेंस ऑफ सच काइंड ऑफ एक्सीडेंट्स in organizing the melas, the state government has felt the necessity of establishment and constitution of an effective authority and district committees. Mani sabhapati mahoday, sarkar ne apne jan ghoshna patra mein bhi ye vaada kiya tha. Jan ghoshna patra ke bindu sankhya 27.45 mein bhi मेला प्राधिकरण के नए सिरे से गठन का इन्होंने वायदा किया था। ये जब मेहरानगढ़ का हादसा हुआ माननीय सभापति महोदय 2008 में, हमारे प्रतिपक्ष के नेता उस सरकार में मंत्री होते थे। उसके बाद गहलोत साहब की सरकार आई और 7 अप्रैल 2011 को प्रशासनिक आदेश से गहलोत साहब की सरकार ने मेला प्राधिकरण का गठन किया था और जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला मेला समिति का भी गठन किया था। माननीय सभापति महोदय, उस भीषण हादसे के बाद भी क्या परिवर्तन हुआ? एक प्रशासनिक आदेश से अधिकरण गठित हुआ और इस बार आप विधेयक के जरिए उस अथॉरिटी के गठन का प्रस्ताव लेकर के आए हैं, विधेयक लेकर के आए हैं। लेकिन जिन कारणों से हादसे होते हैं और वो 216 परिवार जो मेहरानगढ़ के हादसे में पीड़ित हुए, आज भी पूरे राजस्थान की मेलों की व्यवस्थाओं में कोई 15 साल में परिवर्तन हुआ है? कोई सुधार हुआ है? क्यों होते हैं ऐसे हादसे? सभापति महोदय, प्रवेश और निकास, इसके रास्ते अलग अलग नहीं है। हजारों की भीड़ होती है, जिस कैंपस में मुख्य कार्यक्रम होता है क्षमता से ज्यादा लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। दरवाजे चौड़े नहीं होते, ऊंचे नहीं होते और प्रवेश द्वार से पहले इन मेलों की व्यवस्था के लिए जो लोहे की जिगजैग रेलिंग लगानी चाहिए वो लगाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कागजों में पत्र जाते रहते हैं लेकिन मौके पर कुछ भी नहीं होता। अभी हाल में उसके बहरानगढ़ के बाद खाटू श्याम जी का भी हादसा हम लोगों ने देखा, किस तरीके से लोगों की जिंदगी प्रभावित हुई। हजारों लोग होते हैं लेकिन बाहर जो रेलिंग लगती है मंत्री जी, उसकी लंबाई नहीं होती। और सबसे खास माननीय सभापति महोदय, ऐसे अवसर पर जो वीवीआईपी आते हैं, उन वीवीआईपी के उस स्थान पर जाने की अलग से व्यवस्था नहीं होती, उनके बाहर जाने की अलग से व्यवस्था नहीं होती। तो जरूरत तो इस बात की है कि वीवीआईपी की एंट्री और आम जनता की एंट्री का रूट अलग अलग होना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, आज भी क्या 15 साल के बाद भी इन मेला स्थलों पर जाने के लिए एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, इनकी माकूल व्यवस्था हम कर पाए हैं कि उनको रास्ता मिल सके कि वो वहाँ पर प्रवेश कर सके? माननीय सभापति महोदय, लाइट और लाइट चली जाए तो क्या उन सभी स्थानों पर पर्याप्त जनरेटर उपलब्ध है? क्या सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उन जगह पर? क्या पर्याप्त सुरक्षाकर्मी है? और सबसे अनफॉर्चुनेट है, इस अशोक गहलोत की सरकार ने सामाजिक सुरक्षा में सबसे बेहतरीन काम किया। मैं मानता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में वो पहले नंबर पर है, लेकिन जो निःशक्त जन है इन मेलों में, उनके जाने की क्या व्यवस्था है? कैसे वो इन मेले में पहुंचे? क्या इन मेला स्थलों पर कोई व्हीलचेयर होती है जिनमें उन निःशक्त जनों को ले जाया जा सके? माननीय सभापति महोदय, और जो बड़े बड़े मंदिर है
उनमें दर्शन की अलग तरह की व्यवस्था रखी हुई हो कि भाई इतने बजे पट खुलेंगे, इतने बजे पट बंद होंगे, तो लोग जो वो दर्शनार्थी वहाँ गए हुए होते हैं वो उस चक्कर में कि पट बंद हो जाएंगे या पट खुलने वाले हैं, बड़ी संख्या में वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और उसके दबाव बन जाता है उसका, वो भी एक हादसे का कारण बनता है। तो मैं आपके माध्यम से विनती करूँगा, क्या 15 साल में हमने ये तय किया कि जितने भी पट हैं, जो बड़े हमारे तीर्थ हैं, वो 24 घंटे खुले रहेंगे? क्यों 24 घंटे खुले नहीं रहे? क्या उन भक्तों से ज़्यादा जरूरी पट का बंद रखना है, या उन भक्तों की जिंदगी को बचाना ज़्यादा जरूरी है? माननीय सभापति महोदय, बड़े बड़े जब मेले लगते हैं जगह जगह पर, आप देखते होंगे बहुत हमारे श्रद्धालु, राजस्थान तो वैसे भी श्रद्धालुओं के जगह है, और ये तो वो भूमि है कि जब श्री कृष्ण को वृंदावन से प्रस्थान श्रीनाथ जी को करना पड़ा और आगरा में उन्हें जगह नहीं मिली, ग्वालियर में जगह नहीं मिली, तो उदयपुर के हमारे मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने इतनी बड़ी भूमि आवंटित की जहाँ श्रीनाथ जी आज भी विराजमान है, ये तो वो भूमि है। माननीय सभापति महोदय, अब ये जो भंडारे लगते हैं पूरे रास्ते देखिए आप, चाहे ख्वाजा गरीब नवाज का मेला हो, चाहे बाबा रामदेव जी का मेला हो, और चाहे दूसरे बड़े मेले हो, श्रद्धालु लोगों की सेवा के लिए भंडारे लगाते। लेकिन हमने अनेक दुर्घटनाएं देखी है, वो भंडारे लगाने वाले लोग रात में कुछ ले जाते हैं, वो पैदल चलने वाले लोग रात में कुछ ले जाते हैं। क्या उन भंडारों को सड़क से 50 मीटर या 50 फुट की दूरी पर नहीं होना चाहिए, 50 फुट की दूरी पर, जिससे इस तरह की दुर्घटनाएं हो? ये इतने बड़े हादसे होने के बाद भी क्या 15 साल में उन व्यवस्थाओं को हम सुधार सके हैं? और ये जो पदयात्राएं निकलती है, माननीय सभापति महोदय, आप जिनका जिक्र करें, इतने बड़ा बोर्ड बनाया, इतनी बड़ी कमेटियां बनाई है, इतने सेक्रेटरी रखे हैं, इतने जिला कलेक्टर को इन्वॉल्व किया आपने जिला समिति में, ये पूरा सदन गवाह है, किसी पद यात्रा में प्रशासन की नाम मात्र की भूमिका कहीं रहती है? इन पदयात्रियों को कई प्रशासन एक मटके का पानी पिलाने का भी काम करता है? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं करता। और मैं निवेदन करूंगा आपको कि ये जो आपने प्राधिकरण का ये नाम रखा है मेला प्राधिकरण, इसके साथ आप मेला एवं उत्सव प्राधिकरण कर देते तो क्या तकलीफ थी, ज्यादा अच्छा रहता। आपके कितने रजिस्टर्ड मेले हैं राजस्थान के अंदर? सिर्फ 42 मेले आपके पास रजिस्टर्ड है, सिर्फ 42। और जो चिन्हित मेले हैं इन 42 को भी गिनो आप तो 100 के पास आसपास है, लेकिन इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। मुझसे पूर्व भी जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए हैं, उन्होंने अनेक उत्सवों का जिक्र किया। इसलिए अगर आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं, लोगों की जान की हिफाजत करना चाहते हैं, उनको ऐसा माहौल देना चाहते हैं कि अपने धार्मिक कार्यक्रमों को वो उदात्त चित्त के साथ अच्छे माहौल में करें, तो इसमें उत्सव भी जोड़ लो, जिससे शासन की छोटी मोटी मदद उन उत्सव के कार्यक्रमों के अंदर भी माननीय सभापति महोदय प्राप्त हो सके। और ये प्राधिकरण है आपने बनाया, सॉरी प्राधिकरण, मंत्री को अध्यक्ष क्यों रखा आपने? क्या जरूरत है, जब सारे बोर्ड के चेयरमैन सरकार के द्वारा मनोनीत हो रहे हैं, तो 1,15,00,000 रुपए का जिसका आपने एक्सपेंडिचर प्रोविजन किया है, उसके अंदर मंत्री जी को क्यों तकलीफ दे रहे हो? और वैसे भी इसकी मीटिंग 6 महीने में एक बार हो रही है, अरे हमें तो विधानसभा में भी उनके दर्शन नहीं हो रहे, आज जब आप बिल लेकर के आई हो तब भी उनके दर्शन नहीं हो रहे, तो उनको आप जो इस व्यवस्था में वो लगे हुए हैं उसमें आप रहने दो, और मेहरबानी करके इस प्राधिकरण का अध्यक्ष, जिनको भी आप उपाध्यक्ष बनाना चाहें उन्हीं को अध्यक्ष बनाने की व्यवस्था करो, ताकि आपका कामकाज ठीक ढंग से चल सके। और इसके अलावा माननीय सभापति महोदय, जब मेहरानगढ़ का हादसा हुआ, बीजेपी की सरकार थी, 216 मौतें हुई, आज मैं आपके माध्यम से राजस्थान की जनता की ओर से पूछना चाहता हूँ, जस्टिस जसराज चोपड़ा की कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने रिपोर्ट दी, आज तक वो रिपोर्ट राजस्थान की जनता के सामने क्यों नहीं लाई गई? क्या कारण है ऐसे
कि आप राजस्थान की जनता को ये बताना नहीं चाहते कि वो मेहरानगढ़ हादसा क्यों हुआ, कौन लोग इसके जिम्मेदार थे, किन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, कार्रवाई क्यों नहीं हुई, बीजेपी की सरकार के हादसा हुआ, आपकी पूरे 5 साल की 2008 से 2013 की सरकार निकल गई, टाइम पर टाइम आप समय बढ़ाते रहे और फिर इनकी सरकार थी तब रिपोर्ट आई, ये कुंडली मार के बैठ गए। आज 5 साल हो गए और माननीय मुख्यमंत्री जी के खुद के गृह नगर, खुद के गृह क्षेत्र में हादसा हुआ है, तो क्या राजस्थान की जनता को जानने का हक नहीं है कि उसमें कौन जिम्मेदार है, किसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? माननीय सभापति महोदय बैठिए, प्लीज बैठिए। आपकी मेहरबानी है कि मेरे को इसका जिम्मेदार आप ठहरा रहे हैं, शुक्रगुजार हूं आपका। माननीय सभापति महोदय, अब मैं निवेदन करूंगा आपको, ये जब हादसा हुआ 2008 में मेहरानगढ़ का, ये पैकेज घोषित किया गया है, क्या 15 साल में वापस कभी आपने देखने की कोशिश की इस पैकेज पर और कुछ किया जा सकता है, या कोई जिम्मेदारी बनती है? माननीय सभापति महोदय, इस पैकेज के बिंदु 2 भरण पोषण के बिंदु 3 में लिखा है, ऐसे परिवार जिनमें मृतक के अलावा कोई कमाऊ सदस्य नहीं है तथा मृतक के माता पिता पूर्ण रूप से मृतक पर ही आश्रित थे, ऐसे प्रकरणों में माता पिता को संयुक्त रूप से 2,000 रुपये प्रतिमा की राशि भरण पोषण हेतु प्रदान की जाएगी। हमको शर्म नहीं आती? इस सदन में बैठ के हमने कितनी बार अपने भत्ते बढ़ाए हैं, इन सरकार के अहलकारों के, इन नुमाइंदों के वेतन मानों के आधार पर हमने कितनी बार इनकी तनख्वाहें बढ़ाई है। वो माँ बाप जिनका कमाऊ बेटा चला गया, आज 15 साल के बाद भी हम 2,000 रुपये से उसकी सहायता, भरण पोषण की सहायता राशि बढ़ाना नहीं चाहते, हम इस पर विचार नहीं करना चाहते। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा एक और बिंदु की तरफ, मृतक के परिवार का कोई सदस्य अथवा कोई कमाऊ व्यक्ति यदि इस दुर्घटना में निशक्त हो जाता है एवं मात्र निशक्तता प्रतिशत के आधार पर समाज कल्याण की पेंशन योजना का पात्र पाया जाता है, तो ऐसे सदस्य को स्वयं भरण पोषण के लिए 2,00,000 रुपये की एक बार एक मुश्त सहायता प्रदान की जाए। बस 15 साल बाद कुछ नहीं, उस दिव्यांग के लिए कुछ नहीं। मैं आपसे विनती करूंगा, आपके माध्यम से सरकार से विनती करूंगा, इस सरकार ने बहुत उदार दिल से समाज के हर तबके की सहायता करने का काम किया है, हर तबके की तकलीफ को समझने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी ने पिछले बजट में घोषणा की थी कि इन 216 परिवारों के जो आश्रित हैं उनको नौकरी दी जाएगी। क्या आपने सर्वे करवाया? क्या आपने कोई जानकारी ली? क्या कलेक्टर से पूछा कि मुख्यमंत्री की जो घोषणा हुई उसमें आधार पर अब तक क्या हुआ? अब तो जाने का समय आ गया, सरकार तो कौन आएगी, किसकी आएगी, ये तो राजस्थान की जनता तय करेगी माननीय सभापति महोदय। लेकिन जब आज आप ये बिल लेकर के आए हैं, तो मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहता हूं, मंत्री जी अभी भी समय है, जवाब दे, पूछिए आप जोधपुर के कलेक्टर से कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा का क्या हुआ, क्या कार्रवाई की, कितने लोगों को सरकारी नौकरी दी और सर्वे नहीं किया, तो उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? माननीय सभापति महोदय, प्रयास अच्छा है, प्राधिकरण बनने चाहिए, व्यवस्था सुधरनी चाहिए, लेकिन ये बिल इस तरह का बिल है जो बिना मन के लाया गया है, जिसके अंदर शरीर तो है खूबसूरत, आत्मा नहीं है। इसलिए मेहरबानी करके नए तरीके से आप इस बिल को ड्राफ्ट करो, जिससे वास्तव में हमारे उत्सव, हमारे मेले बहुत बेहतर ढंग से हो सके, हमारी कला, हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर सबका संरक्षण हो सके। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका आभारी हूँ, धन्यवाद।